नमस्कार दोस्तों, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो आज मैं आपको इजी रेसिपी मैंगो केक की बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैंगो केक बनाना। यहाँ सबसे पहले मैं अपनी कढ़ाई को हीट करने रख दूंगी। मैं गैस में बनाना बता रही हूँ आपको, आप चाहे तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन में भी बनाने से पहले हम इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। ऐसे ही मैं अपनी कढ़ाई को भी 10 मिनट के लिए प्री हीट करने रख दी हूँ। गैस की आंच को हम मीडियम लो में रखेंगे। अब हम अपना बैटर बनाना शुरू करते हैं केक के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैंने लगभग हाफ बाउल ऑयल लिया है। ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो इसके बदले घी या बटर भी यूज कर सकते हैं। पीसी हुई चीनी, यहाँ पर मैंने अभी हाफ बाउल ही पीसी चीनी ली है, आप इसे अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ मिल्कमेड का, आज मैं आपको मिल्कमेड से बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैंने कम चीनी का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चीनी और ऑयल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें अपना मिल्कमेड डालूंगी। यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप मिल्कमेड है, ये मैं डाल दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो डालें, नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें चीनी की मात्रा आप थोड़ी सी बढ़ा लें। ये देखें, हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिल्कमेड में होममेड मिल्कमेड बनाना भी मैंने आपको बताया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम यहाँ पर 1/4 कप ही कर्ड लिया है, ये भी आपके पास अवेलेबल हो तो ही मिक्स करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसे हटा सकते हैं। इनको हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने जिस बाउल से ऑयल नापा था उसी बाउल से मैंने मैदा लिया है और उसमें थोड़ी सी सूजी मिलाई है मैंने, तो ये लगभग 2 कप के करीब मैदा और सूजी का मिक्सचर है। इसमें मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और 1/2 कप सूजी ली है। आप चाहें तो इसके बदले यहाँ पर गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है गेहूं का आटा, मेरा खत्म हो गया, इसलिए मैं मैदे से बना के बता रही हूँ आपको। 1/4 टेबल स्पून खाने वाला सोडा और पिंच भर सॉल्ट मिक्स कर लिया है और लगभग 1.5 टेबल स्पून इस चम्मच के हिसाब से बेकिंग पाउडर लिया है। इन सबको मिक्स कर लेंगे और छान लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल मिक्स हो गया। यहाँ पर मैंने लगभग 1 बाउल मैंगो पल्प लिया है, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम इस बैटर में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इस समय चाहे केक बनाने के टाइम पे येलो फूड कलर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नॉर्मल बना रही हूँ, नहीं मिलाऊंगी कलर। वनीला एसेंस मिला लेंगे, ये लगभग मैंने 1 टीस्पून मिलाया है। अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो डालें, अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। एसेंस सिर्फ एक अच्छी खुशबू के लिए डाला जाता है, इससे केक में कोई फर्क नहीं आएगा टेस्ट में इसके। ये देखिए, इस टाइम पे गाइज आप चाहें तो अपने शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बैटर हाथ में लेके आप चख लें इसे, अगर आपको इसमें चीनी की मात्रा कम लग रही हो तो इसमें डाल दें, और अगर ज्यादा लग रही हो तो इसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लें, तो आपका बैटर जो है बिल्कुल बराबर अच्छा मीठा हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को बैटर में थोड़ा सा अपना चीनी कम लगी थी तो मैंने इसमें पाउडर शुगर 2 चम्मच और मिक्स किया है। ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए, यहाँ पर लगभग मैंने 1/4 कप ही मिल्क यूज किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर दही और मिल्क मेड इस्तेमाल किया था, इसलिए मेरे को कम दूध की जरूरत पड़ी। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा दूध डाल सकते हैं, लेकिन बैटर जो है आपका इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए, आज मैंने स्क्वायर शेप में लिया है और इसे अच्छे से मैंने अपना ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया। अगर बटर पेपर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रीसिंग जरूर करें। घी, यहाँ पर मैंने ऑयल लगाया है और हल्का सा मैदा डाल के इसे टैप कर लिया है। और ये देखिए, इस तरीके से हमारा मोल्ड तैयार हो गया। अब मैं इसमें थोड़े से आम मैंने काट के रख रखे थे, उसे इसमें थोड़ा सा मिला दूंगी। ज्यादा नहीं मिलाएंगे हम, क्योंकि जब हम इसे आइसिंग करेंगे तब उसमें हम इस्तेमाल करेंगे इसका। यहाँ पर लगभग मैंने 1.5 टेबल स्पून विनेगर लिया है, ये डाल लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप यहाँ पर लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन भी नहीं है और विनेगर भी नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं।
भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए विनेगर डालने के बाद हमारा बैटर कितना हल्का और फ्लफी हो गया है, ये देखिए। अब बस हम इसे इसमें अपनी डिश में खा देंगे। हमने डाल दिया, अब इसे लगभग दो से तीन बार टैप कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे अपना बेक करने रख देंगे। अगले बार मैं जब आपको केक बनाना बताऊंगी तो वो आटे से ही बनाना बताऊंगी, इसमें मैदा बिल्कुल यूज नहीं करूंगी मैं, और आपको विदाउट लेमन जूस और विनेगर के बनाना बताऊंगी, ताकि आप आसानी से अपने घर में केक बना सके। और एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गई, इस केक में मैंने चीनी जो है थोड़ी कम ही इस्तेमाल की है। आप अगर, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे आइसिंग करूंगी, अगर आप उसे बिना आइसिंग के बनाना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसमें चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स भी और टूटी फ्रूटी जो चाहें वो मिला सकते हैं। मैं लेकिन सिंपल बना रही हूँ। तो अब हम इसे अपना बनने के लिए रख दिए हैं। लगभग इसे बनने में 40 से 50 मिनट लगेंगे। 40 मिनट बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे, अगर ठीक बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसे और 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि केक हमारा कैसा बना है। तो चलिए केक को बनते हुए लगभग एक घंटा हो गया। अब हम अपने केक को खोल के देख लेते हैं। ये देखिए गैस की फ्लेम को मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। ये देखिए हमारे चाकू बिल्कुल साफ निकल के आया है, इसका मतलब हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। तो गाइस जब तक हमारा ये केक ठंडा हो रहा है हम अपनी आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आइसिंग की तैयारी करना। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी जेली बनाएंगे। इसके लिए मैंने मैंगो पल्प लिया है 1/4 कप। इसे हम अपने पैन में डाल देंगे। अब इसमें लगभग 2 टेबल स्पून शुगर डाल लेंगे। मीडियम लो आंच कर लेंगे। यहाँ पर गाइस मैंने 2 टेबल स्पून शुगर लिया है। अगर आपको नहीं लगता आप कम मीठा करना चाहते हैं तो इसमें आधा चम्मच ही चीनी डाल लें, उससे भी ये बहुत अच्छी बन जाएगी। देखिए इसका रंग बदलने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी जेली बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक बर्तन में खिला लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो बनाएं, और नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जब तक हमारी जेली ठंडी हो रही है हम अपने क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो गाइज ये मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है 1 बाउल। क्रीम तैयार करने का जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे चेक कर ले। ये देखिए हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है व्हिप होके। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो दीजिए। चलिए तो अब हम शुरू करेंगे अपना आइसिंग करना। चलिए सबसे पहले हम केक को अपने 2 पीस में काट लेते हैं। इस तरीके से हम 2 पीस में काट लेंगे। एक पीस को इसके ऊपर रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये शुगर सिरप लिया है, मेरे पास पाइन एप्पल क्रश था मैंने उसी का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर नॉर्मल शुगर सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ज्यादा क्रीम लगाना चाहते हैं तो ज्यादा लगाएं, मैं यहाँ पर ज्यादा क्रीम नहीं लगा रही हूँ बीच में। अगर आपको अच्छी लगती है ज्यादा क्रीम तो आप इसमें ज्यादा क्वांटिटी में लगा लें। ये देखिए मैंने कुछ पीस आम के बचा रखे थे यहाँ पे कटिंग काट के, अब इसे थोड़े से डेकोरेट कर लेंगे हम। ये सब ऑप्शनल है गाइस, ये आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। ये तो सिर्फ मैं इसको फ्लेवर अच्छा लाने के लिए कर रही हूँ। और उसके बाद हमने जो पीस काटा था उसे हम इसके ऊपर वापस रख लेंगे।
देखिए गाइस, इसे भी हम हल्का ये करके थोड़ी देर फ्रिज में लगा देंगे। तो ये देखिए केक को हमने कर दिया, ऊपर से हम ज़्यादा इसको फाइन फिनिशिंग नहीं देंगे इसमें, क्योंकि हमने इसमें जेली से सजाना है। मेरे पास ये है स्क्रब का, आपके पास अगर ये हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। आपके पास ये नहीं हो तो कोई नई कंघी हो मोटे दांत वाली, उसको भी लेके आप इस तरीके का डिजाइन इसमें बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपने क्रीम में कलर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। देखिए हमारा मैंगो केक बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर दें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।